अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अरे कहाँ हो यार, हैं? नहीं नहीं काफी टाइम हुआ, मिले ही नहीं तुम। हाँ बहुत बिजी हो मालूम है और बहुत फोटो वोटो छप रहे अखबार में, द फेमस लॉयर नंबर वन। नहीं यार, ये जो आतंकवादियों के केसेस चल रहे हैं ना, उन्हीं की वजह से है। क्या छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा कुछ गड़बड़ है, कहो तो मैं अभी आता हूँ। कहाँ हो तुम? नहीं नहीं अभी आने की जरूरत नहीं है, फिलहाल फोन पे ही बात कर लेते हैं। वो ऐसा हुआ कि आज सुबह मैं कैडल रोड पे गया था, वो ऑल केयर नर्सिंग होम है ना, वहाँ किसी क्लाइंट को मिलना था। वहाँ करीबन मैं एक घंटा था और जब मैं वहां से बाहर निकला तो गाड़ी तो यही पार्क थी, कहीं कोई टो करके तो नहीं ले गया। गोखले, पिछले दो घंटों से ट्रैफिक वालों ने वहां से कोई गाड़ी नहीं उठाई। इसका मतलब है मेरी गाड़ी चोरी होगी? हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग अपनी गाड़ी खुली छोड़ जाते हैं और कॉलेज के लड़के थोड़ी देर एडवेंचर के लिए यहाँ वाले जाते हैं फिर छोड़ जाते हैं। लेकिन साहब मेरी गाड़ी तो लॉक थी। ठीक है, मैं कंट्रोल रूम को खबर कर देता हूँ, वो सभी पेट्रोल गाड़ियों को इन्फॉर्म कर देंगे और आपकी गाड़ी ढूंढने के लिए कहेंगे। सर आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी। उसके बाद मैं घर आ गया और घर में जैसे घुसा ही था कि इंस्पेक्टर देशमुख का फोन आ गया और उसने मुझे फिर से ऑल केयर नर्सिंग होम पे बुलाया। आगे लगाइए। आइए गोखले साहब, आइए, देखिए अपनी गाड़ी देखिए। अच्छी बात है, पहले तो ये गाड़ी यहां नहीं थी, यहाँ पर दूसरी गाड़ी थी। ये गाड़ी वापस यहाँ कैसे आ गई? ये आप ही की गाड़ी है ना? हाँ, लेकिन आज सुबह जब मैं नर्सिंग होम से निकला तो मेरी गाड़ी खो चुकी थी। फिर भी आप चेक कर लीजिए, कहीं कोई सामान चोरी हो रही तो नहीं हो। देखिए जाइए। नहीं कुछ चोरी नहीं हुआ, पैसे और स्टीरियो तो बराबर है। देखिए हो सकता है उस वक्त आप किसी केस के बारे में सोच रहे हो, आपने गाड़ी देखी है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैम सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। एसीपी साहब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज सुबह मेरी गाड़ी वहां नहीं थी। और दूसरी बात, आज सुबह से कोई मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा क्यों, क्यों लग रहा है तुम्हें ऐसा? क्योंकि आज सुबह जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आया तो मैंने एक ब्लू कलर की मारुति एस्टीम कार वहां खड़ी हुई देखी और यही कार मेरे घर के बाहर से दो बार गुजरी। ये गई। तुमने उस गाड़ी का नंबर नोट किया है? हाँ, उसका नंबर था MY13K5143। इस वक्त तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरे गैराज में। तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं चाहिए थी, अरे कम से कम देशमुख को तो गाड़ी चेक कर लेनी चाहिए थी। एक घंटा गाड़ी गायब है, गाड़ी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ रख भी सकता है। देखो तुम आतंकवादियों के खिलाफ केस लड़ रहे हो, उसमें अड़ंगा लगाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। यार ये भी तो हो सकता है कि मुझे कोई गलतफहमी हो और मैं ऐसे ही घबरा रहा हूं। फिर भी डोंट टेक एनी चांसेस, समझे? मैं तुम्हें 10 मिनट में फोन करूंगा,
घर में रहना और जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। सभी टेलीफोन अटेंड करो। बिहेव नॉर्मली। ओके? यस। अच्छा अच्छा सर, इस गाड़ी का आरटीओ से पता करो। नंबर है MY13K5143। यस सर। और दया, राजेश कोंटेरा से बात करो, वो वर्सोवा का स्टेट एजेंट है, मैं जानता हूं उसे। उसे कहो कि फौरन एक खाली बंगला चाहिए उसी एरिया में। बंगले के गेट्स बड़े हो तो और भी अच्छा है, लेकिन गैराज सड़क से दिखना नहीं चाहिए। बंगला मुझे फौरन चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए। राजेश कोंटेरा का फोन नंबर डायरी में है, देखो। सर। हाँ भाई, ये बसंत गोखले अपने वही मशहूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, जो आतंकवादी वाला केस लड़ रहे हैं? हाँ वही है। इस केस की सुनवाई तो जल्दी शुरू होने वाली है, इसी हफ्ते। सर, MY13K5143 नंबर की कोई भी गाड़ी आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, जाली नंबर प्लेट, मुझे लगा ही था। सर, राजेश ने कहा कि बंगला मिल गया है। एड्रेस है रॉयल विला, 18th रोड, वर्सोवा। गुड। दया, पुलिस डॉग्स और बॉम्ब स्क्वाड को बुलवाओ, उनसे कहो घंटे भर में वो रॉयल विला पहुंच जाए। और बॉम्ब स्क्वाड में से विनीत और मंगेश को बुलवाना, दे आर द बेस्ट। और आशा, तुम वसंत जी के घर जाओ, अगर किसी ने पूछा तो कहना कि तुम उसके दोस्त की बेटी हो। वसंत जी की गाड़ी अच्छी तरह से चेक करो, अगर सब ठीक है तो गाड़ी रॉयल विला लेकर आओ। लेकिन किसी को भी कानो कान भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि ये पुलिस का चक्कर है। सुधाकर जाओ, जल्दी जल्दी करो सुधाकर। सर मैं ले आऊंगी। जल्दी रहो, आप गाड़ी अंदर लीजिए। फास्ट। हरी अप। यस। ये सब क्या हो रहा है? डोंट गेट वरीड। देखो, तुम इतने बड़े आदमी हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। दिस इज जस्ट अ रूटीन चेक। बोनट खोलो सुधाकर। मंगेश, यहाँ तो नहीं है। आप मैक्स मंगाइए। मैक्स लाओ, मैक्स, मैक्स लाओ, मैक्स, रिड्रिक्स, मैक्स लेके आओ।
इसमें नहीं है। गाड़ी के अंदर चेक करो। सुधाकर सर, तुम रोड पर नजर रखना, दया एरिया छान रहा है, उससे रेडियो कांटेक्ट रखना। ओके सर। ए पेगी बेटा, कम 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 पेगी, मुझे हेल्प करेगी ना? गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, कम ऑन, लेट्स गो। लगता है मामला सीरियस है। सूंग लिया है। चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। गुड गर्ल पेगी, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। सर, सर पेगी ने हमेशा हमारा साथ दिया है, इस बार भी हम इसकी वजह से सफल हो जाएंगे सर। वेरी गुड गर्ल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस सर। हेलो, मैं इस एरिया के दो चक्कर लगा चुका हूँ मगर अभी तक तो कोई ब्लू एस्टिन दिखाई नहीं दी। ओवर। हेलो, हेलो सर, हेलो, हेलो सर, सर आप बंगले के बाहर मेन रोड पर हैं? हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक ब्लू एस्टिन आ रही है, MY13K5143। हाँ, वो रॉयल विला की तरफ आ रही है। ओवर। ये नीचे वाली सीट फाड़ के देखो। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। आराम से। कम से कम आधा किलो का तो होगा। यस सर, पूरे बंगले को उड़ाने के लिए काफी है। इसके धमाके से अगर कोई बच भी गया तो इसकी हजारों कीले उड़ेंगी, उनसे बचना मुश्किल है। मंगेश, इसको यहां से निकाल देते हैं। नहीं, ये देखिए वेल्डिंग हुआ है, यहीं पर काम करना होगा। इसको अगर पिघलाने की कोशिश की तो गर्मी से बम फट सकता है। टाइम बॉम्ब है, रिमोट कंट्रोल नहीं है। सर, काउंटडाउन चालू है। ये बम 8 बजे के लिए सेट किया गया है, 4 घंटे में फटने वाला है। वसंत, एक बात बताओ, तुम 8 बजे कहीं जाने वाले थे क्या? हाँ, 7:30 बजे लॉ क्लब में मीटिंग है। टेररिस्ट केस में जो भी लॉयर्स काम कर रहे हैं वो एक साथ में मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए 8 बजे का टाइम सेट किया है, पूरी बिल्डिंग उड़ाने का रहता था। लॉ क्लब बिल्डिंग में अंडरग्राउंड पार्किंग है ना? हाँ। पूरी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए वो सही जगह है। वसंत, कोई तुम सबको एक साथ मारने की कोशिश कर रहा था। विनित, तुम ये बॉम्ब डिफ्यूज कर सकते हो क्या? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। अगर जरा सी गलती होगी तो बम फट जाएगा और सारी बिल्डिंग उड़ जाएगी। कार को किसी खुली जगह में ले जाना पड़ेगा। हमें कोई मैदान ढूंढना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे करो, इस गाड़ी को जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाने की तैयारी करो। हेलो, ब्लू एस्टीम MY13K5143 रॉयल विला की तरफ जा रही है। हाँ, ओवर।
सुधाकर, हेलो सुधाकर, अभिजीत से बात करो, मेरा एक प्लान है। ना तुझे रुकने के लिए क्यों नहीं रुका है? सुसाइड किया है? अच्छा, कुछ मिला क्या गाड़ी में? कुछ मिला? जल्दी इधर। तो इसका मतलब है इसके पीछे आतंकवादियों का ही हाथ है। अच्छा तुम अब कहाँ हो? नहीं नहीं तुम पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड आ जाओ। हाँ जल्दी। नहीं नहीं अभी डिफ्यूज नहीं हुआ है, काम चालू है। ओके क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये कुछ अलग ही है। यहाँ पर एक तार होना चाहिए था, यहाँ कहीं है। क्या मतलब? तुमने इस तरह की वायरिंग पहले कभी नहीं देखी? नहीं सर, इस तरह के बम में सफेद और लाल दो ही तार इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए हैं, ताकि समझ में ना आए। ये एक के बजाय दो तार क्यों हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। ये टाइमर जब जीरो पर आएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा, और फिर इस तार से इम्पल्स यहाँ आएगा और मटेरियल फट जाएगा। दूसरे तार की वजह से सारा सर्किट उल्टा हो गया। इन दोनों में से एक तार सही है, दूसरा बूबी ट्रैप है। दूसरे को हाथ लगाया तो सीधी मौत, हमारे टुकड़े भी नहीं मिलेंगे सर। लेकिन कार के बारे में पता लगाने के लिए आदमी लगा दिया है। अच्छा गुड, और फिंगरप्रिंट्स? उसको लेने के लिए कह दिया सर, शायद अपने पुलिस रिकॉर्ड के किसी प्रिंट से मैच कर जाए। बस लगता है फंस गए इस बार। कौन सा तार निकली समझ में नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं भोंसले को फोन करके देखता हूँ। वो सतारा में बैठा है। अरे हेडक्वार्टर से उसका नंबर मिल ही जाएगा ना। वो क्या करेगा, बम हमारे सामने है, जो कुछ करना हमें करना है। तुम वो ZM3 का सर्किट निकालो। ये देखो विनीत, ये दोनों वायर यहाँ से निकल कर इधर ज्वाइंट है। इधर देखो, ये यहाँ पर गायब है, और ये सर्किट से होकर बोर्ड के हर पॉइंट से ज्वाइंट हो रहा है। आई थिंक ये तार काटनी पड़ेगी, यही तार काटनी चाहिए। बस मैं फिर भी भोंसले से बात करता हूँ। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं वेट करता हूँ। हेलो, हाँ सूर्यकांत, हाँ भोंसले का नंबर चाहिए यार। हाँ अपना भोंसले यार, वो सदारा गया हुआ है। नहीं बॉस, ये सफेद तार ही सही है, 100%। इसी को काट देता हूँ। वसंत बहुत लकी है कि वो नर्सिंग होम से जल्दी बाहर आ गया, इसलिए उसे पता चला कि उसकी गाड़ी गायब है। और शुक्र है कि उसने मुझे फोन किया, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती।
विनीत को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। विनीत 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 कितनी कोशिशों के बावजूद भी सीआईडी कार में लगे बम को डिफ्यूज नहीं कर पाई। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतना घिनौना षड्यंत्र रचा? क्या सीआईडी उन दरिंदों तक पहुंच पाएगी? मौत के खेल में किसका हाथ है? जानने के लिए देखिए सीआईडी का अगला एपिसोड किस्सा कार की चोरी का।